अविनाश भाई, आपने न केवल YouTube पर काम किया है, फिल्में बनाई हैं, बल्कि एक दो आपके गाने भी बघेली में ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो उनका सफ़र कैसे चालू और कैसे लगा कि अब बघेली में गाने भी बनने चाहिए? अब जुन दर्शक हम हमार तिनका हर एक चीज़ चाहिए है ना। ऐसे अपना भोजन के लिए तो हम हर एक चीज़ चाहिए, सलादो चाहिए, अचारो चाहिए, रोटी चाहिए, भातो चाहिए, दारू चाहिए। तो जुन हमारे दर्शक हम तो उनका कॉमेडी में बसना चाहिए, उनका हर एक चीज़ चाहिए है ना, पूरी फिल्म। हाँ पूरी मतलब, फिल्म हाँ, हाँ पूरी फिल्म चाहिए, एक गाने हो जिसमें जिसमें एक ट्रेजेडी हो, थोड़ी हाँ, कहानी हो हाँ, थोड़ा रोमांस हो, ऐसा ये सारी चीज़। तो हुआ ओकर सब तैयारी चल है, कोनो काम अकेले नहीं हुए हाँ। अगर फिल्म करे कहे तो सबके सहयोग की आवश्यकता है, और जो हमारे यहाँ की जो मोट मोट मनी पैसा से जो मोट हम तो हमारा मदद करा फिल्म खातिर, एक संदेशों देला है। फिर के बाद हम कई लाग कि हमें अपने दर्शकन का गानों देना चाहिए। गाना बघेली में हमारे एक पहल गाना आ रहा, हम ही सोचें कि 2019 के जैसे एक तारीख हुई तैसे हम गाना लॉन्च कर दे। तो बनारस में गाना रिकॉर्ड भरा, वो गाना अच्छा चलवा भा, जब कहूँ कार्यक्रम करे जी थे तो लोग वही फरमाइश करा था भैया वाला गाना हो चाहिए, तो गाना होते हैं। तो कौन गाना है, मतलब कौन सा गाना है, एक बार दो लाइन अगर हमारे माइंड में आवे कि हम जब शुरुआत के लिए तो उटपटांग हम अचक्का के आयन है मार्केट में बघेली की वजह से अचक्का के आयन है। तो हम सोचे कि गानों में ऐसा नहीं थे कि उटपटांग सारे का ऐसा गाना गाए जो क्यों गाय न हो। तो हमारा गाना अंगा से है, हमेशा स्कूल में पढ़ावा गया कि अंगा माने कुन नहीं, अंगा माने कुन नहीं। तो हम गाना वो अंगा से बनाए, तो वो गाना हमारा अंगा भय जिंदगी जब से भा प्यार, मसूरी और जुनहरी बिक गए अरहर के दार, पाइस मन से रुआ बहक गए बिटीबा, दही के कटोरा खसक गए बिटीबा। ये गाना हमारे ऊपर लागू, क्या बात है, क्या बात है। इसकी जब हमका प्यार हो रहा तब दो महीने बाद काज हो जा रहा है। तो ओके खातिर हम का कहें, हमारे जितने भर युवा वर्ग है तो ऐसा करत रहे हम, अब जब से जियो आवा तब से कुछ बंद हो गया। पैसा मोबाइल मा अहिमक न बायन, रीमा और सीधी सिंगरौली बगायन, 70 किलो से 35 मा आयन। जब आदमी के प्यार नहीं हो ना तो ओकर खा पिए अच्छा दलिया दुस रहा थे, लेकिन जब ओको प्यार हो जाता है तो वो टेंशन मसार दुबरा जाते हैं, कभी हमने कहा खवावे कहे, कहा पहरावे कहे, कहाँ बगावे कहे। 70 किलो से 35 मा आयन, और दादा दीदी के खजाना लुटायन, ओली के परते छरक गए बिटीबा, हमका पंचन का दही के कटोरा खसक गए बिटीबा। और वो बिटिया हमसे झूठ बोले रही, झूठ ये बोल रही, सबे बोला था जब प्यार होता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, ये करूंगी, ऐसा वैसा। अच्छा, ये फेस करना पड़ा आपको भी? हाँ। तो उमा ये चीज है, हमसे कहे के जन्म भर न छोड़ब, तुहसे बियाह के नाता हम जोड़ब, ओकर कही बात लबरी निकरी गए, बलमा के संघे उवा निगरी निकरी गए, बाखा मामू सर हुमस गए बिटीवा, दही के कटोरा खसक गए बिटीवा। ये गाने को लोग अच्छा पसंद किए, मतलब यह गाना 24 घंटे के अंदर करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देखे रहे। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। अविनाश भाई, जो लोग जैसे ही आपने यूट्यूब में वीडियो बनाना चालू किया था, उसके बाद से एक बाढ़ सी आ गई थी बघेली में, या फिर अलग अलग प्रयोग लोग करने लगे थे, यहाँ वीडियो बनाने लगे थे मोबाइल में, तो आपके सफल होने का कारण क्या था और कौन सा वो कारण है? क्या ऐसा होना चाहिए कि जो अभी नए लड़के आ रहे हैं जिनको ये सब करना है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपके, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? पहली चीज था, पहले जितने भी युवा वर्ग हाँ कोनो कम, उनका हम एक संदेश देना चाहते कि पहले तो यह डिसाइड करना क्यों को आई, अपने आप का जाना क्यों को आई, फिर के बाद ये करें कि हमका कराए का है, फिर के बाद यह फाइनल करें कि हमका यह करे का है। ये कोनो काम पटियती से नहीं की जाए पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत जन के हम वीडियो देखें तो मतलब अश्लील टाइप के रहते, गाली वाली दे थमा और बोले के टोन बहुत गलत रहा था, स्टोरी नहीं रहा है। और हमारे में प्लस पॉइंट यह चीज़ भा कि हम आए शुरू से रामलक कलाकार, हमारा पूरे घर खानदान कलाकार है, तो और मर्यादा भी हाँ, तो हमार छोट से लेके बचपन से लेके 55 तक लोग देखा था वीडियो, और हमारे वीडियो का लोग टीवी के नहीं देखा था, इसे चला ले के रख लेते, कई जने बैठ के देखा था। ये अपने का प्लस पॉइंट है, और हमेशा हम अपने दर्शकन का, जैसे आजकल लोग अश्लीलता का अपनाए के फेमस हो चाहत हमें, चाहे वो भोजपुरी वाले हों चाहे क्यों हों, तो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनावत हम, और शॉर्टकट रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाए है ना, और जो मेहनत करके वो किन जाते हैं ना, तो वह रास्ता मजा आते हैं। अविनाश भाई, ये बताइए कि
कभी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा जब शुरू पहला वीडियो बहुत चल गया, फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी की और अच्छा करना है, तो किस तरह की समस्या हुई थी? आप हर वीडियो में टेंशन रहा था कि अब यह वाला तो ठीक चल गया, अगला कौन में के दिन जाए, कि मतलब जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। हमेशा बढ़ जाती, पहले ये रहा कि चलो कि बना दे वीडियो डाल दें, है ना। फिर के बाद नहीं, जब अपन दर्शक जुड़िए देखिए, अपने दर्शकन की जिम्मेदारी आई। पहले 10,000 की जिम्मेदारी, फिर 1,00,000 की जिम्मेदारी, अब 6-6.5 लाख की जिम्मेदारी है। और जो हमारा दर्शक, हमारा सब्सक्राइबर से ज़्यादा हमारा व्यू जाते, जो हमारा दर्शक है तो ग्रामीण एरिया के ज़्यादा हमारा, तो उनका सब्सक्राइब करे से मतलब नहीं है। वो बस ही जाना था कि अविनाश तिवारी की वीडियो नभा वाला, वो मई चीज़ दिखाते कि मतलब हमारे कंप्यूटर में सारी चीज़ दिखाती कि कौन लोग कहाँ से देखा है और कहाँ सर्च करके देखा है, किस नाम से सर्च कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सर्च ऐसे रहते हैं अविनाश तिवारी की नौकबा वीडियो, अविनाश तिवारी वीडियो, अविनाश तिवारी के जो आज आवा है तुम वीडियो, तो वो चीज़ सर्च होगा करते। तो जो हमारे दर्शक हमें तो गांव वाले हैं, तो सब्सक्राइब करे नहीं जानते, हमका सब्सक्राइबर चाहो न करी, बस हमारा दर्शक खुशी रहा। और अगर जो कुछ हमसे गलती हो तो क्षमा करा और समझावा कि आपसे यहाँ पे ये गलती हुई, आप यहाँ पे ये सुधार कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा अविनाश भाई। ये थे अविनाश तिवारी, बघेली को यूट्यूब पर एक स्थान देने, यूट्यूब पर फिल्में बनाने, गाना गाने और स्क्रिप्ट राइटिंग में कई तरह की कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, जिनको लगातार बघेली भाषा में ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और भाषा को, इस बोली को देश विदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि न केवल विंध्य क्षेत्र में बल्कि बिहार, बनारस और इसके साथ ही जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं बघेली बोलने वाले, वहाँ तक के इनको फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, वहाँ तक इनके व्यूअर्स हैं। तो इसी तरह भाषा की जो, जिस तरह की बघेली को लेकर इन्होंने काम किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आपके सब्सक्राइबर्स मिलियंस पर जाएं, आप फिल्म बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम लोग जो दर्शक हमसे जुड़े हैं अविनाश तिवारी को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहें, बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।